कर हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। सावन की दूसरी सोमवारी पर भक्तों का जहां एक सैलाब उमड़ पड़ता था, लगातार गेरुआ रंग और भगवा रंग से पूरा नौगछिया शहर और मंदिर शिवालयों में भीड़ उमड़ पड़ती थी। हर हर भोले बम बम भोले का नारा लगता था, वह अभी वीरान पड़ा है। आज नौगछिया की स्थिति सावन के मास में पूर्णतया सुन्न है, वीरान पड़ा है मंदिर। जी हाँ, दूसरी सोमवारी पर मैं आपको लेकर आया हूँ नौगछिया शहर के श्री श्री 108 पिपलेश्वर महादेव मंदिर। कार महज कुछ ही वर्ष पहले यहाँ के संत स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ, उसके बाद आसपास के श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन आज सावन के दूसरी सोमवारी पर स्थिति आपके सामने है। मंदिर पूरी तरह से वीरान है, किसी भी भक्तों का वर्तमान में आना जाना सरकारी नियमानुसार सरकारी आदेशानुसार प्रतिबंध है। हालांकि कुछ भक्त पहले सुबह मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने दबाव में मंदिर के पुजारी से मंदिर का फाटक खुलवाया और अंदर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा लोगों को समझा बुझाकर उन्हें अपने घर में पूजा अर्चना कर बाबा को सुमिरन करने का लोगों को समझाया, और उसके बाद मंदिर की स्थिति विधि व्यवस्था आपके सामने। आइए मंदिर से जुड़े हुए अभी के लॉकडाउन के समय की स्थिति और क्या होगी इसके बाद की रणनीति, यहाँ के पुजारी से मिलते हैं, पूछते हैं और जानते हैं और दिखाते हैं आप तक। कैसी पूजा अर्चना चल रही है? सुमारी में सुबह कुछ बहुत लोग यहाँ पर आए हुए थे, हम निरंजन जहाँ पुजारी यहाँ का बोल रहे हैं, तो समझाने बुझाने पर हम पर दबाव डाला, इसलिए हम समझाने बुझाने पर सब जो है ना मना हो गया। अब कोई भक्त अभी मंदिर में किस तरह पूजा अर्चना हो रही है आज सोमवारी पर, किस तरह होगी? आज पुजारी जो है दो चार गो पंडित जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम लोग जो मिल के अभिषेक जो हैं रखे हुए हैं, किसी का भक्त लोग का अलग से फाटक से ही पूजा अर्चना करके निकल जाते हैं। बीच हमारे साथ है मंदिर के पंडित, चैती दुर्गा मंदिर के पंडित अजीत बाबा। आइए इनसे जानते हैं कि सावन की दूसरी सोमवारी पर मंदिर में किस तरह शिवालयों में पूजा अर्चना हो रही है। बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताएं कि इस सावन के दूसरे सोमवारी पर इस लॉकडाउन के बीच किस तरह पूजा अर्चना हो रही है? मैं सबसे पहले सावन में सभी मीडिया कर्मी, देश के डॉक्टर, सफाई कर्मी, सभी को मैं सावन में धन्यवाद बोलबा जय तारा देता हूँ। अभी किस तरह पूजा अर्चना हो रही है? उसके बाद कोरोना महामारी को देखते हुए भक्त और बाबा पिपलेश्वर धाम के बीच में रुकावट बनी हुई है, हो सकती है थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस में कमी लेते हुए कुछ कुछ भक्त जो है डिस्टेंसिंग करते हुए पूजा अर्चना कर लेते हैं, जो कि समाज में सभी मिलजुल करके सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं। अभी किस तरह पूजा अर्चना हो रही है बाबा सावन में? अभी मंदिर लॉक रहता है और कुछ पंडित जी पांचों चारों मिला करके अभिषेक सिर्फ करते हैं, जो कि शाम में श्रृंगारी भी सोमवार को करते हैं वो कोरोना महामारी के। अभी जो भक्त जो मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए मंदिर कमेटी द्वारा या यहाँ की व्यवस्था क्या की गई है उन्हें दर्शन? सबसे पहले वो घर में ही पूजा पाठ करें ज़्यादा अच्छा है, वो हम कहते भी हैं मास्क का प्रयोग करें और मंदिर में ना आवे ये कहते हैं। पहली बार सावन में ऐसी स्थिति हुई है कि मंदिर के पुजारी और मंदिर कमेटी लोगों को मंदिर नहीं आने के लिए अपील कर। जी हाँ, कोरोना का संक्रमण लगातार नौगछिया में बढ़ता जा रहा है, नौगछिया की स्थिति भी काफ़ी भयावह होती जा रही है, लेकिन इस बीच में इस सावन मास का आना और भोले बाबा से भक्तों के बीच की दूरी को कोरोना के द्वारा बढ़ा देना एक समस्या जरूर है। लोगों के मन में, बहुत भक्तों के मन में तकलीफ जरूर है कि वो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमारी टीम मंदिर पहुंचकर आपको यहां की लाइव स्थिति दिखा रही है, भोलेनाथ का दर्शन करवा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़।